तो दोस्तों फिलहाल मैं जा रहा हूँ कैनल पर और मैं कोच साहब से ना आज जिद करने वाला हूँ कि कोच साहब कोई नया जानवर लेकर आए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ यार, जानवर जाए जा रहे हैं, आ कोई रहा नहीं है, ना बजीज रही ना फिंचीज रही, सारे के सारे खाली हो चुके हैं जाल यार। आज कोच साहब से कहूंगा और तब देखते हैं वो क्या बोलते हैं। दोस्तों आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इतने सारे जानवर चले गए ना, पहले युवराज चला गया, फिर पंछी चला गया, फिर बादल चला गया, परी भी चली गई, इतने सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं ना, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, सिर्फ कबूतर है, खरगोश है और कुछ नया जानवर आ ही नहीं रहा। कोच साहब फोन पे बाद में बात करना है। चलो ठीक है, अभी करता हूं। फोन पर बात कर रहे हैं यार जी भाई। कोच साहब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। किस चीज से? हमारे कैनल पर जानवर ही नहीं आ रहे। नहीं, मुझे इतना शौक है ऐसे ऐसे परिंदों का, आप कुछ लाएंगे? ना कुछ बता रहे, क्या लाएं क्या ना लाएं। तो कल देखना आप आगे। कल आके देखूं? बिल्कुल बिल्कुल, कल एक जानवर बढ़ा देंगे हम। कल बढ़ा दोगे? बिल्कुल। पहले मुझे बताओ क्या ला रहे हो भाई। ऐसा है कुछ, ऐसा बताने से क्या मजा आएगा। अरे यार कम से कम बता तो देते मैं। ना ना ना, कल ही देखना। कल किस टाइम तक आ जाएगा मुझे पहले ये बता दो। कल आ जाना 9:30 बजे सुबह। यार कोच साहब कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए एक चीज लाऊंगा, कल सुबह आकर देखना। अब तो खैर वैसे भी शाम हो चुकी है, सूरज भी ढल चुका है, पक्की बात है ना? पक्की। निराश नहीं करना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो सब देख लेना, वादा कर रहे हो आप? ठीक है, चलो ठीक है। 9:30 बजे ठीक है, ठीक है भाई। कोच साहब की जबान देखेंगे कल 9:30 बजे के आसपास यहाँ आएंगे हम। यार बस खरगोश, मुझे निराश मत करना। खरगोश का मैं एक बच्चा देख कर गया था कल और अब देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई। यार मैंने देख लिया, एक ही बच्चा है यार, खरगोश का बच्चा ही नहीं आ रहा दूसरा। पता नहीं इस बार एक ही बच्चा देगी क्या, पिछली बार इसने 4 बच्चे दिए थे, इस बार सिर्फ एक ही बच्चा दिया है, वो भी बिना बताए। पहले बाल उतारती थी और घोंसला बनाने की तैयारी करती थी, तब जाकर ये बच्चे देती थी, इस बार अचानक ही बच्चा दे दिया इसने यार। तो अभी दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं अभी निकल रहा हूँ घर के लिए, सुबह यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कोच साहब का सरप्राइज। तो आज जब मैं कैनल पर पहुंचा तो खरगोशों के जाल में देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा था। बड़े जाल के अंदर एक और छोटा जाल था, उसके अंदर इसकी बाल्टी रखी हुई थी और खरगोश ने अपने बाल उतारी थी अपना घोंसला बनाने के लिए, और बाकी 3 खरगोशों को मैंने मिट्टी के केज में छोड़ा था, पापा जी ने उन्हें भी इसी केज में छोड़ दिया था और वो बड़े मजे से चोकर खा रहे थे। आज हमारा मिल्खा भी बहुत खुश है क्योंकि आज पापा जी ने इसको गर्म गर्म पानी से नहलाया है। दोस्तों कोच साहब ने मुझसे 9:30 बजे का टाइम दिया था और अब यार 11:12 बज रहे हैं, पता नहीं किस टाइम में आएंगे यार। मैं बार बार बाहर आकर देख रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है यार उनके आने का। कॉल करिए, कॉल करके उन्होंने अब मुझसे बोला है कि बाहर आकर खड़ा हो जा और तेरे लिए सरप्राइज आने वाला है, पता नहीं कब आएंगे यार। भाई धूप में पसीने भी आ गए मुझे तो यार, लेकिन कोच साहब नहीं आ रहे, हद हो गई। एक बार और कॉल करके पूछता हूँ उनसे कहाँ रह गए। यार दोबारा से कॉल आई है कि बाहर आ गया। अरे भाई साहब। अच्छा ये था कोच साहब, आगे से तो हटाओ, देखने तो दो मुझे, आगे खड़े हो उसके। अभी ज्यादा वैसे हो रही है। कैसे हो रही है, गुस्से में है क्या? गुस्से में। अरे 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 यार, इतने बड़े बड़े सिंह है कोच साहब, ये तो मारती होगी पक्का। बिल्कुल नहीं मारती, बहुत सीधी गाय। झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है इतने बड़े बड़े सिंह से टक्कर मारती है। अभी दिखाता हूँ अंदर चल के। अंदर चल के? हाँ हाँ। अरे वाह, इसका पेट कैसे मोटा हो रहा है इतना? ये ब्याने वाली है और बच्चा भी देने वाली है 15-20 दिन में। अरे क्या बात है, अरे हट जाओ। ये जो गौमूत्र है ना, हाँ ये ब्लड प्रेशर है। अरे मैंने वैसे हाँ ऐसा सुना है कि ये जो देसी गाय है ना, शुगर, हाँ अगर ये यूज किया जाए या ये पिया जाए हाँ तो बहुत ही बीमारी घटती है। अच्छा हाँ, हकीकत है, मतलब उसको पीने से सब सारे रोग वोग दूर। वो पहलवान है, क्या नाम है उसका, संजय पहलवान। संजय वो गाय का जो है गोबर भी अपने शरीर पे मलता, गोबर भी लगाता है और मूत्र भी पीता है उसका, और भाई इतना तगड़ा स्टैमिना इसके अंदर। लेकिन कोच साहब इतनी प्यारी, लीवर के लिए ये पक्का मारती होगी, मुझे पता है इसकी। नहीं मारती, बहुत सीधी गाय है। मैं देखूं पकड़ के? हाँ हाँ पकड़ लो। देखना देखना देखना, एकदम गुस्से में तो आ रही है ये। ये उतरी है ना गाड़ी से, अभी गाड़ी से उतरी है तो थोड़ी डर रही है अभी। आपने मुझे पहले नहीं बताया वरना मैं गाड़ी की वीडियो बनाता यार। देखो, 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 देखो। ये ऐसे क्यों कर रही है? ये इशारा करा ना इसे बैठाने का। अरे वाह, बैठा दी मैंने। ट्रेन भी कर रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है भाई, हमारे पास ऐसी गाय आई है जो ट्रेंड है। इसका नाम गोरी है, गोरी गोरी नाम भी है इसका। कौन सा पीछे झूठ आ रहा है? ये जैसे बैठाते है ना, हाँ ऐसे करके। अच्छा बैठ जाती है। अरे क्या बात है यार, बस ये मारे ना, मुझे से डर लग रहा बहुत। नहीं, नहीं, मारने के लिए। बस बस बस, इतने बड़े बड़े सींग है यार, एक भी मेरे पेट में घुस गया ना। अगर अच्छा दिखाने दिखाने के हैं, बस दिखाने के हैं। क्या बात है यार, इतनी प्यारी गाय तो अभी हमारी होगी। हाँ हाँ पक्की बात है। अरे यार मैं लेके क्यों आया यार, इसका कब में प्लान बन गया था मुझे बताया भी नहीं। पापर आप में मिसखोट बनी होगी ये पक्का। नहीं दिमाग में थी ना ये मेरे। अच्छा जी, मैंने खरीद रखी। अच्छा दूध नहीं देती? नहीं अभी नहीं देती, 20 दिन बाद जो है देना शुरू करेगी। 20 दिन बाद हो जाएगा बच्चा? 20 दिन बाद। यार कोच साहब कह रहे हैं कि इसका बच्चा 20 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन कोच साहब इसको खड़ा तो करो। हो गई हो गई हो गई। इसका नाम क्या है? गौरी। गौरी नाम है भाई। अब अपनी गौरी को ना कैनल के अंदर लेकर चलते हैं। कोच साहब इसके थन तो देखूं, थन कहाँ गए इसके?
बैठ जाओ। ओ भाई साहब, भाई कमाल हो गया। कौ साहब हमारे ना डोगी ना घोड़े, ये गाय इतनी समझदार कैसे हो गई? इसे कहीं भी बैठा सकते हो आप, कहीं भी। अगर बोतल भी फूटी पड़ी हो ना कांच, हाँ वहाँ भी बैठ जाएगी। लेकिन गाय माता गऊ है, बैठानी नहीं चाहिए, बैठानी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं भी अगर आप ये कहोगे ना गोरी बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब कहना मानती है। हाँ, कहना मानती यार, कितनी समझदार गाय है। कोच साहब इसकी तो बहुत पहले से जरूरत थी मुझे, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम 10 दिन लगे ट्रेन करने में, सिखाने में। अरे वाह, मैंने कभी पीट के मार के नहीं बैठाई। अरे पीट के मारना तो बेकार है, मुझे तो खुद गंदा लगता है वो। हाँ, बस साथ फेर के। लेकिन एक बात बताऊँ, आप झूठ बोल रहे हो, टक्कर जरूर मारती है। बिल्कुल, अब मैं बता, अभी इसे बांधूंगा ना मैं। हाँ। बांधने के बाद मैं क्या करूंगा? हाँ। के अब वैसे जैसे इसने दूध देना बंद कर रखा है 3 महीने से। अच्छा, ठीक है। 3 महीने बाद अगर कोई इसके थनों में हाथ लगाएगा तो एकदम लात मारेगी। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसे बांध के मैं और अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ। बैठ के इसके नीचे। अच्छा, खूब इसके थन कैसी पकड़ो। लात तो नहीं मारने की? बिल्कुल नहीं। मुझे बिठाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात, मुझे पहले से पकड़वाओ एक बार, मैं देखो तो सही। ओ देखना, सींग करती है एकदम से ये। अब मुझे क्यों नहीं कर रही? लेकिन आपको तो जानती है ना ये? जानती नहीं, जानने की बात नहीं है। एक मिनट जरा मैं देखूं इसको पकड़ के। मारती नहीं है। तो दोस्तों मैं गोरी के पास आ गया हूँ और अब देखते हैं इसको प्यार करके। बिल्कुल नहीं, आप इतना क्यों डर रहे हो अभी भाई? बस बस बस, ये करती है अब। अच्छा एक बात, इसे बांधो ना। हाँ। इसे बांधो और ऐसे मेरी कोली भरो जैसे ऐसे। हाँ। करके। हाँ। तो ये एकदम भगेगी आपको मारने को। हाँ जी। हाँ। अगर मुझे तो कोई भी कुछ कहेगा तो प्यार करती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी मुझे कुछ कहेगा तो तुरंत टक्कर मारेगी। देखना ये मुझे टक्कर मार रही है अभी 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 जो है ना अभी। बस 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 गोरी। हाँ। नहीं बेटा चलो खड़ी हो। नहीं नहीं खड़ी ऐसे नहीं, तुमसे नहीं होने की, मेरे से होगी एकदम। चलो गोरी खड़ी हो जा, देखो भगने दे, आगे 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 भग जाएगी, ऐसे तो भग जाएगी। नाथ पकड़ो नाथ। गोरी नहीं, पर हो जाओ। बस गोरी बस, ये डरती है ना दूसरे आदमी से। बस बेटा बस, ये डरती है दूसरे आदमी। बस बेटा बस, इसमें को निकल जाएगी गोरी। चलो 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 यार, अभी हालत खराब हो गई थी भाई, मेरे लहात भी लाल हो गए, भाग गए थे मुझसे छूट के। यार इसको कैनल नया नया दिख रहा है ना, ये डर रही होगी एकदम से। क्या बात है। बस गोरी वैसे है बहुत प्यारी, लेकिन यार मुझे खतरनाक भी लग रही है थोड़ी सी। खतरनाक नहीं है, पक्की बात है। पक्की बात है। आप बहका तो नहीं रहे हो कभी मुझ में टक्कर मार दे आपके बाद? नहीं। अब बैठना इसके थनों के नीचे, मैं देखूंगा लात कैसे न मारे। ओहो ये अभी ना है? इसके पैर बांध रखे हैं। हाँ। ठीक है ना। हुँ। इतना ही, कितनी देर तक? शाम तक बैठे रहो। अच्छा जी, अब से लेकर शाम तक बैठे रहो। कुछ नहीं कहेगी? कुछ नहीं कहेगी कुछ भी। अच्छा, बहुत सीधी गाय है। सीधी गाय है लेकिन आपके लिए सीधी है कोच साहब, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठो। मैं बैठूं? हाँ आराम से बैठो, थन पकड़ लो एकदम। ठीक कह रहे हो। दूध मत निकालना अभी। नहीं दूध नहीं निकालूंगा अभी, तो दूध होगा भी नहीं। अभी होगा भी नहीं, बस पानी सा बन रहा होगा। लेकिन 20 दिन के बाद तो दूध देना। हाँ हाँ 20 दिन के बाद शुरू कर देगी। यहाँ से तो सीधी है बिल्कुल, थोड़ी कठकनी है। ये कहे भी नहीं, कठकनी भी नहीं है हकीकत। अच्छा? ना ना ये अभी नई नई जगह है ना इसके लिए। हाँ, तो थोड़ा हाँ हाँ ऐसे फेरते रहो आगे तक आ जाओ। बस बस माथे पे फेरो। अब नहीं करी ना कुछ, अब तो दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाएगी, एक दो दिन में दोस्ती हो जाएगी। अभी नई है ना इस वजह से। गोरी नाम है ना? गोरी गोरी गोरी। ओहो, इसे बोलते हैं कमला। कमला? हाँ कमला पसंद। कपला या कपला ऐसी बोलते हैं, कमला या कपला उसे बोलते हैं। टाट, इसे टाट बोलते हैं। हाँ। कोच साहब यहाँ पर इसको धूप लग रही होगी, इसे अंदर बांधे। चलो इसे खोल के ले आओ, यहाँ पे धूप वूप निकल रही है ना। वो तो ठीक है वहाँ पे। अब इसको अंदर बांध देते हैं। अभी इसके पास ना आना आप। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ले आओ ले आओ ले आओ, आ जा गोरी आओ। भाई कितनी प्यारी लगती है हमारी गोरी चलती हुई भी। बस बस, तो भाई हमने गोरी को अंदर बांध दिया है और कोच साहब ने यहाँ इसका चारा भी डाल दिया है। गोरी चारा खा ले बेटा। इसमें एक आदत बहुत अच्छी लगी है मुझे, चारे करे हैं कोच साहब ने और ये एकदम से नीचे बैठ जाती है। ये काफी अच्छी चीज है, इसके अंदर इसे बहुत प्यार करेंगे यार हम। और वैसे भी इसका बच्चा होने वाला है कुछ दिन में। कोच साहब बच्चा होगा या बच्ची होगी, कुछ अंदाजा है? बच्ची होगी। बच्ची होगी, चलो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि यार हमारे पास अब एक देसी गाय भी आ चुकी है। सुना है कि देसी गाय के दूध में और देसी गाय के मूत्र में इतनी ज्यादा ताकत है कि किसी दवाई गोली सारी फेल है। दूध तो खैर अभी इसका नहीं हो पाएगा, लेकिन मूत्र हो सकता है, लेकिन मूत्र क्या पता ना पिया जाए मुझ पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव ओवर एंड आउट।